देखिए अपने रजनीकांत सर भी एक बहुत बड़ी पैन इंडिया फिल्म बना रहे हैं, इसका नाम है जेलर। आपको बता दूं ये जो पैन इंडिया का टाइटल है ना, सही मायने में यही जेलर फिल्म रिजर्व करता है। हाँ भैया, इंडिया की शायद ये पहली फिल्म होगी जिसमें हर एक इंडस्ट्री के टॉप स्टार की कास्टिंग की गई है, जहाँ सबसे पहले मलयालम से मोहनलाल सर, जिनकी कास्टिंग पिछले महीना हुआ था, फिर इनके बाद ही कन्नड़ा सिनेमा से शिवा राजकुमार भी आ गए हैं इस जेलर में। मेरे हिसाब से शायद आप शिवा राजकुमार को जानते होंगे, जिनकी कुछ ही दिन पहले एक बेदा नाम की फिल्म आई थी जिसके चर्चे हिंदी बेल्ट में भी हुए थे, और अभी ये हमें जेलर में भी दिखने वाले हैं बड़े रोल में। और फिर इन सब के बाद हमारे बॉलीवुड से रिसेंटली जैकी श्रॉफ की भी कास्टिंग हो गई है रजनीश सर की फिल्म में, और इनका कुछ इस प्रकार का पोस्टर भी आ गया है जो सच में कतई भयंकर ही लग रहा है इनका लुक। और ऐसा बताया जा रहा है इस जेलर फिल्म के मेन विलेन जैकी श्रॉफ ही होने वाले हैं, और बाकी मोहनलाल सर हीरो के साइड हैं, यानी रजनीश सर के साइड। और जैसे कि फिल्म का टाइटल है जेलर, तो शायद रजनीश सर फिल्म में किसी जेल के जेलर ही होंगे। और जैकी श्रॉफ के पोस्टर से लग भी रहा है वो किसी भी जेल के कैदी हैं, वहीं इसलिए पोस्टर निकाला गया है। खैर ये तो बात हो गई फिल्म के मेल एक्टर्स सब की, अब चलिए मूवी के एक्टर्स की लिस्ट पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं, जहां सबसे पहले सौरभ बच्चन की कास्टिंग हुई थी इसमें, फिर इनके बाद तमन्ना भटिया, फिर इनके बाद त्रिशा कृष्णन, फिर इनके बाद प्रियंका मोहनन, और फिर इनके बाद तेलुगु से सीनियर एक्ट्रेस रम्या कृष्णन भी आ गई हैं, और एक लास्ट मीरा मिनन भी। भाई पता नहीं जेलर कैसे फिल्म बन रही है, इतनी बड़ी स्टार कास्टिंग रखा जा रहा है मूवी में। और साथ में भी जान लीजिए इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे नेल्सन दिलीप कुमार, और इन्होंने ही थालापट्टी विजय सर की बीस्ट फिल्म को भी बनाया था। सो अब देखते हैं जेलर को किस टाइप का एक्शन पैक फिल्म बनाते हैं नेल्सन दिलीप कुमार। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।